तो दिन प्रतिदिन फिर पुनः हमको भी अपने उसी पुराने नीतियों पर जाना पड़ेगा और घराट को फिर एक भी पुनर्जीवित करने पड़ेंगे। घराट के सामने एक ही संकट खड़ा है, पानी का। अगर पानी का संरक्षण रहेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिन गजरों में बहुत अच्छा पानी हुआ करता था वो धीरे धीरे करके पानी कम होते जा रहा है और पानी के स्रोत घटने से इस उद्योग पर भी बहुत संकट के बादल है। इस पे बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। पानी का संरक्षण, वर्षा के जल का संरक्षण, पेड़ों के द्वारा पानी का संरक्षण अगर जब तक नहीं होगा तो ये पानी घटता रहेगा। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए पानी को भी संरक्षण हो और पानी पर आधारित ये जल विद्युत, पानी पर आधारित घराट, पानी पर आधारित ऊर्जा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे हमारे पूर्व सरकार ने एक सुंदर सी एक योजना तैयार की थी जनरल खंडूरी के टाइम पर कि उत्तरांचल के प्रवासी जो पैसे वाले थोड़े बहुत लोग हैं वो 100 किलोवाट तक के उत्पादन को स्वयं करें और 100 किलोवाट से ऊपर का जो उत्पादन होगा वो भारत आदमी कर सकता है। तो जैसे मरतुला में है, अपना मरसाली गड्ढी में है, आपका इधर पूर्व नयार है, पश्चिमी नयार है, अपना रामगंगा में है, तो ये सरयू में है, तो जगह जगह पर अगर छोटे छोटे जो है 25-25 किलोवाट 50-50 किलोवाट के छोटे छोटे व्यक्तिगत तौर पर सरकार की तरफ से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर लोन दे करके या उनका कुछ सहायता दे करके सब्सिडी दे करके इस प्रकार से हर जगह पर ऊर्जा के केंद्र बनाए जाएँ और इन घराट के पनबिजली से जो है उसको 25 किलोवाट 50 किलोवाट तक का संयंत्र बनाया जाए और उस संयंत्र को ग्रिड में सप्लाई किया जाए। तो एक तो उसका रोजगार बढ़ेगा क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का, और ये हमारी ग्रिड जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है उत्तराखंड में, जो कहते हैं कि जो है उत्तराखंड के पानी और उत्तराखंड की जवानी का जो है हम पूरा उपयोग तभी कर सकते हैं।